हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीषण गर्मी में वन्य जीव पशु पक्षियों को रहती है पानी की तलाश। भामाशाह आए आगे जंगलों और अन्य जगहों पर करी पानी की व्यवस्था। पोसालिया समीपवर्ती पालड़ी एम में ओम श्री गजानन सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा ने बताया कि गर्मियों के मद्देनजर पशु पक्षियों को पानी की तलाश रहती है। पशु पक्षियों तथा वन्य जीवों को तो बड़ा संघर्ष करने के बाद पानी नसीब होता है। गर्मी इतनी तेजी से आग बरसा रही है कि जानवरों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के लिए तो जगह जगह नल कनेक्शन, टंकियां, प्याऊ, नल फिल्टर, आरओ लगे मिल जाएंगे, पर जानवरों के लिए कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। ऐसे में जानवर जगह जगह पर पानी की तलाश के लिए भटकने को विवश है। इधर शिकारियों का भी डर उनको सताता रहता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, ओरू आवरा नाड़ी में पानी भरें, ताकि पशु पक्षी जो खुले आसमान के नीचे धूप में विचरण करते हैं उन्हें पानी नसीब हो सके। पालड़ी एम गांव से दूर 14 किलोमीटर दूर जंगलों में डेरी मामा बावसी मंदिर के पास बड़े नाड़े में हजारों की संख्या में रोजाना पशु पक्षी तथा जंगली जीवों का आवागमन रहता है। बारिश में मौसम का पानी भर जाता है जो महीनों तक चलता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में वहां पानी सूखने की संभावना रहती है। पानी कम पड़ता देख पालड़ी एम वेराविलपुर के ग्रामीणों द्वारा हेडपंप में मोटर डालकर जनरेटर से बिजली उत्पन्न कर पानी की व्यवस्था की जा रही है। कोई पानी की कमी नहीं आने देता, पर चोरों द्वारा वहां से भी केबल काट कर ले जाते हैं और मोटर जनरेटर की चोरी करने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में वहां पानी की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। जब मीणा ने पानी को कम पड़ता देख टैंकर मालिकों से संपर्क किया और टैंकर की रेट पूछी गई, तो उन्होंने सभी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और निशुल्क पानी की व्यवस्था करने के लिए आगे आए। ओम श्री गजानन सेवा समिति समेत ड्राइवर ट्रैक्टर मालिकों ने मिलकर जंगल के डेरी मामा बावसी नाड़ी में पानी भरने की निशुल्क मुहिम छेड़ी। उन्होंने बताया कि इस नाड़ी में पानी की कमी नहीं होने देंगे। भीषण गर्मी में पशु पक्षी तथा जंगली जीवों के लिए तत्पर रहेंगे। इस दौरान गोवर्धन सिंह देवड़ा, जवान सिंह, मुलाराम कुम्हार, वार्ड पंच सकाराम गांगी, हेमाराम कुम्हार ने मिलकर निशुल्क पानी की व्यवस्था की। साथ में गोभक्त पृथ्वीराज सिसोदिया, सरवन हीरागर, अरविंद कुमार समेत अन्य गोभक्त मौजूद रहे। अंत में मीणा ने सभी का आभार व धन्यवाद प्रकट करते हुए बेजुबान पशु पक्षियों की रक्षा के लिए आगे आने की बात कही। भीषण गर्मी के चलते पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु आग्रह किया। वहीं आवारे आरू नाड़ी परिंदे जहां भी पशु पक्षियों का आवागमन हो वहां नियमित रूप से भरना चाहिए, ताकि पशु पक्षी और जंगली जीव प्यासे न रहें। जानवरों को पानी नहीं मिलने के कारण कई पशु पक्षी काल का ग्रास बन जाते हैं। इस भीषण गर्मी के अंदर हम उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। कोरोना महामारी का दौर जिस प्रकार से गुजर रहा है, उसमें हमारे कई अपने हमें छोड़कर चले गए हैं। हम जीवित रहे हैं, यही हमारे लिए वरदान है। हमें बेजुबान पशु पक्षी और दुर्घटनाग्रस्त बीमार जानवरों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और ग्राम पंचायत स्तरीय भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते रहना चाहिए। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।